हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आपको जो मैंने कुछ वर्कशीट दी थी, कुछ ग्रुप पार्ट दिया था, वो आपने पूरा किया क्या? शाबाश। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ पौधघर। उससे पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, ठीक है? तो मुझे बताइए, आप कभी बगीचे में गए हो? आपने कभी बगीचा देखा है? अच्छा, तो मुझे बताओ कि वहाँ पे क्या क्या होता है, क्या रहता है वहाँ पे? शाबाश, वहाँ पे फूल होते हैं, पौधे होते हैं, पक्षी होते हैं, तितलियाँ भी होती है, झूले रहते हैं, है ना? तो मुझे बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे रंग बिरंगे फूलों के पौधे कहाँ से आते हैं? नहीं सोचा ना? चलो मैं ही आपको बता देती हूँ कि वो पौधे कहाँ से आते हैं। वो रंग बिरंगी फूलों के पौधे आते हैं पौधघर से। पौधघर मतलब क्या होता है, पता है आपको? चलो मैं ही बता देती हूँ। पौधघर में छोटे छोटे फूलों के, फलों के पौधे मिलते हैं। जहाँ पे वो पौधे तैयार किए जाते हैं उसे पौधघर कहते हैं। वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के फूल के पौधे मिलते हैं और उस पर रंग बिरंगी तितलियाँ भी मंडराती है। आपको फूलों के बारे में क्या क्या पता है? फूलों के कितने सारे फायदे हैं, कुछ फायदे पता है आपको? तो बताइए तो मुझे क्या क्या फायदे होते हैं? शाबाश। फूलों को देखकर हमारा मन प्रसन्न होता है। फूल कमरे में रखने से कमरे की हवा साफ होती है। हम फूल भगवान के ऊपर भी चढ़ाते हैं। कभी हम डेकोरेशन के लिए भी फूलों का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी को गिफ्ट देना हो, बर्थडे वगैरह हो, तो हम फूलों का गुलदस्ता भी देते हैं। अब आया समझ में फूलों का महत्व? शाबाश। तो आपको पौधघर कैसे होता है ये आया क्या समझ में? हाँ। ठीक है, अब मैं आपको, इसीलिए तो कहते हैं पौधे लगाओ सुंदरता बढ़ाओ, फूल खिलाओ खुशबू फैलाओ। अब आपको मैंने ये जो चित्र दिखाया है उसमें कौन से रंगों के कितने फूल है यह मुझे लिख कर भेजना है। यह आपका गुरु पाठ होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है? बाय बच्चों।